आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सुबह बताया जा रहा है कि 10:40 पर मिल्कीपुर अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं देखिए मिल्कीपुर में 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि 1,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं देखिए रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट का लोकार्पण करेंगे सीएम। तो गोरखपुर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन करने वाले हैं। मरीन ड्राइव पर मिलेगा उत्तर भारत के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ। रामगढ़ ताल में बना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहा जा रहा है कि आज सीएम उसका उद्घाटन करेंगे। तो गोरखपुर में बढ़ेगा पर्यटकों का आगमन कहा जा रहा है कि पहले से क्रूज की सुविधा देखिए वहां पर है। और ग्रीन बोर्ड आवासीय योजना के आवंटियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे आज सीएम। तो गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम तरह के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तो कहा जा रहा है कि देखिए कई लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। तो सुबह 10:40 पर मिल्की अयोध्यापुर पहुंचेंगे सीएम। वही देखिए मिल्कीपुर में कहा जा रहा है कि 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शाही हमारे साथ जुड़ गए। विकास, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। जी आपको बता दें सीएम योगी का 3 दिवसीय दौरा है। 2 बजे के करीब 3 दिवसीय दौरे पर वो गोरखपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो जो गोरखपुर का मरीन ड्राइव कहा जाता है यानी रामगढ़ ताल वहां पे पहुंचेंगे। जो पहला पानी में तैरता यानी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट का वो लोकार्पण करेंगे। करीब 10 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है। इससे पर्यटकों का जो है इजाफा होगा, जो गोरखपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। उसके बाद वो ग्रीन बुड अपार्टमेंट के जो आवंटी है उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। 374 करोड़ की लागत से लगभग 5 एकड़ में विस्तृत है ये आवासीय योजना। उसके बाद सीएम योगी वहां जो लोग संबोधित हैं वो उपस्थित रहेंगे, उनको संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद सीएम योगी मंदिर जाएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। 20 और 21 को जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाएंगे और दोनों ही उनके गुरु गुरु दिग्विजयनाथ जी की 55वीं और गुरु अवैधनाथ जी की 10वीं पूर्ति के अवसर पर जो श्रीमद भागवत कथा और संगोष्ठी कार्यक्रम चल रही है उसके समापन समारोह में भी सम्मिलित होंगे। साथ साथ गुरुओं की जो पुण्यतिथि कार्यक्रम है उसमें भी अपनी वक्ता के रूप में अपनी बातें सीएम योगी कहेंगे। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि गोरखपुर विकास के पथ पर है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब से सीएम योगी ने सूबे की कमान संभाली है तो सूबे के साथ साथ गोरखपुर का एक अलौकिक विकास हुआ है। चारों तरफ सड़कें हों, नाली हों या बिजली या किसी भी तरह के उद्योग हो, रोजगार हो, उसके जाल बिछ गए हैं। इसी के तहत आज सीएम योगी जब गोरखपुर पहुंचेंगे तो पहला मरीन ड्राइव यानी कि रामगढ़ ताल पे जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, पानी में तैरता रेस्टोरेंट, उसका वो लोकार्पण करेंगे। करीब 10 करोड़ की लागत से रेस्टोरेंट बना है जिसे आस पास के जनपद के जो पर्यटक हैं और दूर दराज से नेपाल बिहारी अन्य जगहों से जो पर्यटक आते हैं वो इसका लुत्फ उठाएंगे। तो गोरखपुर के साथ इससे रोजगार भी मिलेगा, साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या के मिल्कीपुर भी जाएंगे आज सीएम। तो तमाम के विकास कार्यों की देखिए आज समीक्षा भी करेंगे और कहा जा रहा है कि गोरखपुर वासियों को आज बड़ा तोहफा देंगे सीएम। तो गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि तमाम विकास कार्यों की आज समीक्षा भी करेंगे।
और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से।